Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, Assistant Professor, Department of Botany. जैसा कि आपको पता है कि अभी कोरोना बीमारी फैली हुई है, इसलिए वर्क फ्रॉम होम के तहत क्लास टीचिंग करी जा रही है और साथ ही कोशिश करी जा रही है कि डिजिटल मीडिया का लार्ज स्केल पर यूज कर मोबाइल के लिंक के जरिए या कॉलेज के यूट्यूब चैनल के जरिए आपको पढ़ाया जाए, ताकि आपका जो टाइम है इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। और यह भी कोशिश करी जा रही है कि स्टडी मटेरियल में क्वालिटी मेंटेन रहे, ताकि हालांकि क्लास टीचिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक भरपाई कर सके। तो आप भी इसी फॉर्म में काम करते हुए अपने किताब से पढ़ें और इन वीडियो की या पीपीटीज़ की या जो स्टडी मटेरियल आपके ग्रुप में हम लोग डाल रहे हैं उसको देखें, क्योंकि सिलेबस का आधे से ज़्यादा पार्ट हम लोग कर चुके हैं। तो पुराने पेपर्स के सेट भी देखें, क्वेश्चन पैटर्न देखें, और जैसा कि हमने बीच बीच में हम बताएंगे भी से कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्लासेज में हमने बताए भी हैं, वो भी आप ध्यान रखें तो आपका अच्छा समझ आएगा और आगे भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये चीज़ें काम में की रहेंगी। इस तरह से ये आपका सिलेबस है जो हम पढ़ा रहे हैं, हमें जो एलोटेड ये पेपर है, हमने पहली यूनिट कराई, दूसरी कराई, तीसरी कराई और चौथी यूनिट में हमने पहले सिलेजिनेला करा दिया था और अभी हम शुरू कर रहे हैं लाइकोपोडियम। जैसे पहले बताया भी गया है कि इस तरह का क्वेश्चन पैटर्न रहेगा जो ये लिख रहा है तीनों, तो इसको भी आप देखते रहें। जैसा कि पहले पता है टेरिडोफाइट जो और पढ़ाए क्लासिफिकेशन पढ़ाए जाने, टेरिडोफाइटा को मेजरली चार ग्रुप में डिवाइड करा गया है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ये जो लाइकोपोडियम पढ़ रहे हैं इसको क्लब मास भी कहा जाता है। इसका बेसिक डिवीजन या क्लासिफिकेशन ये है, डिवीजन टेरिडोफाइटा, सब डिवीजन लाइकोप्सिडा, ऑर्डर लाइकोपोडी एलिज। ये ध्यान रखें कि इसमें प्रत्यय एलिज लगता है ऑर्डर में, फैमिली लाइकोपोडी एसी, एसी फैमिली में लगता है और जीनस लाइकोपोडियम। ये इसके कैरेक्टर्स विद क्लासिफिकेशन है जो कि हम प्रैक्टिकल्स में भी देंगे कि क्यों लाइकोटेडोफाइटा में रखा गया है, क्यों लाइकोप्सिडा में। ये इस तरह से मेन मेन फीचर्स हैं। जनरल वे में लें हम तो ये क्लासिफिकेशन है, इसके दो सब जेनेरा बताए गए हैं, यूरोस्टेकिया और रोफेलोस्टेकिया। यूरोस्टेकिया वो सब जेनेरा है जिसमें प्लांट विच आर नेवर क्रीपिंग, दे मे बी अनब्रांच्ड और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, द एडवेंटिटियस रूट्स कम्स आउट ओनली थ्रू द बेस ऑफ द स्टेम एंड आर नॉट टू बी फाउंड अलोंग द सर्फेस ऑफ द स्टेम। जबकि रोफेलोस्टेकिया में के स्टेम इज प्रोस्ट्रेट, यहाँ पर स्टेम इरेक्ट है, अभी डायग्राम में भी आएगा, यहाँ स्टेम इरेक्ट है, यहाँ पे प्रोस्टेट है, विद एडवेंटिटियस रूट डेवलपिंग ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द प्रोस्टेट स्पेसीज। हैबिट्स अगर लाइकोपोडियम की लें तो लाइकोपोडियम इज ए लार्ज जीनस विद अबाउट 180 स्पेसीज हैविंग वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन इन ट्रॉपिकल टू टेम्परेट रीजन्स। दे आर हर्बेसियस टेरेस्ट्रियल प्लांट और इरेक्ट टू पेंडेंट इपीफाइट्स। द स्टेम आर डेंसली कवर्ड विद माइक्रोफिलस एंड आर प्रोटो स्टीलिक। जैसा कि हमने पढ़ा है स्टील और में कि इसमें प्रोटो स्टील प्रकार की स्टील पाई जाती है। द जीनस इज होमोस्पोरस विद स्पोरेंजिया ऑन द अडेक्सियल फेस ऑफ द स्पोरोफिल। होमोस्पोरस यानी कि सारे जो स्पोर्स हैं वो एक ही प्रकार के, जबकि आपने सिलेजिनेला पढ़ा था वह हेट्रोस्पोरस कंडीशन थी, यानी कि दो प्रकार के स्पोर थे, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर्स, यहाँ पर एक ही प्रकार के स्पोर्स हैं। द प्लांट बॉडी डिस्टिंक्टली डिफ्रेंशिएटेड इंटू द फॉलोइंग थ्री रीजन। प्लांट बॉडी यहाँ पर तीन क्षेत्रों में बटी होती है, स्टेम, रूट एंड लीव्स। स्टेम इन द सब जीनस यूरोस्टेकिया इट इज इरेक्ट और पेंडेंट।
एंड मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। इन द सब जीनस रोफेलोस्टेकिया में स्टेम क्या है, प्रोस्ट्रेट होता है विद इरेक्ट ब्रांचेज। फर्स्ट द ब्रांचिंग इज डाइकोटमस एंड लेटर इज द बिकम्स मोनोक्लोडियल। रूट्स का जहाँ तक है, रूट्स यूजली स्मॉल एडवेंटिटियस रूट्स आर प्रेजेंट इन द सब जीनस यूरोस्टेकिया द ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। इन सम स्पेसीज द रूट्स अराइज एंडोजीनियसली फ्रॉम द पेरिसाइकल ऑफ द स्टेम, डू नॉट पेनेट्रेट द कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम बट रन टर्न डाउन वार्ड्स थ्रू द कॉर्टेक्स एंड फाइनली इमर्ज ओनली एट द बेस ऑफ द स्टेम। ड्यू टू दिस रीजन टीएस ऑफ स्टेम यूजली शो ए रूट्स विद इन द कॉर्टेक्स एंड आर नोन एज द कॉर्टिकल रूट्स। जहाँ तक रहा मामला लीव्स का, अभी डायग्राम भी आएगा बच्चों। लीव्स आर सिंपल सेसाइल स्मॉल इन साइज इलिग्यूलेट। इलिग्यूलेट का मतलब है लिग्यूल एब्सेंट, ये जो लग रहा है ई। पजेस ए सिंगल अनब्रांच्ड मिडरिब एंड आर नोन एज द माइक्रोफिल्स। Usually the leaves are spirally arranged but may be arranged in whorls or in pairs. In all the cases they condensedly cover the surface of the stem. Leaves are usually homophyllous, that is of the same size and shape, but in the some cases the leaves are heterophyllous of different size. Usually the leaves near the apical portion of the branches bears sporangia and are called the sporophylls. Depending upon the species, the sporophylls may or may not be differentiated from the ordinary leaves. These sporophylls are usually form a condensed structure at the apex of the branches, which are known as the strobili. भी इसमें आएगा बच्चों, ये वाला करें हम जो ये वाला strobili, इसका ये portion है। ये जो leaves है ये pass pass आ गई और condensed form में ये strobili बनाती है। ये जो करना चाह रहे हैं, ये दोनों का अंतर हमने अभी बताया था आपका। यूरोस्टेकिया में प्लांट बॉडी इरेक्ट और पेंडेंट है, रोफेलो में जनरली ट्रेलिंग और क्रीपिंग है। इसमें ब्रांचिंग रेयर है या ब्रांचिंग डाइकोटोमस ब्रांच। इसके अंदर रूट्स जो है ओरिजिन ओनली फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ द, इसमें रूट किसी भी पार्ट से निकल जाती है। यहाँ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रोबिलाई रेयरली फाउंड है, यहाँ पर हमेशा ऑर्गेनाइज स्ट्रोबिलाई। इसमें मार्जिन ऑफ स्पोरोफिल्स आर सेंटर एंड मार्जिन ऑफ स्पोरोफिल्स आर टूथ्ड। इस तरह से ये इनमें डिफरेंस है, ये इस टेबल से भी बताया गया है बच्चों, इसमें भी बताया और इससे भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को आप बच्चे बाद में भी चला के आराम से रोक रोक के भी इसको देख सकते हैं, तो और ज़्यादा आसानी आपके रहेगी इसको रोक के भी आप देख सकते हैं। ये इसके कॉमन नाम है क्लब मास, ग्राउंड पाइन, ट्रेलिंग, ये हमने बताया था। ये थ्री स्पीसीज, ये हैबिट्स का है, फाउंड इन ओपन वुडलैंड्स इन मॉइस्ट एंड एसिडिक सोइल्स। एपिफाइटिक जैसे फ्लेगमेरिया है, लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया। इरेक्ट भी देखी गई स्पीसीज, लाइकोपोडियम क्लेवेटम। क्रीपिंग फॉर्म इसी स्पीसीज की देखी गई, इरेक्ट ब्रांचेज, हाईली ब्रांच अंडरश। ये इसके डाइग्राम से यहाँ देख सकते हैं, आप कंपेरिजन भी कर सकते हैं बच्चों। ये साइलोटम है जो हमने पहले बताया था, इक्विसीटम है, ये आपका लाइकोपोडियम है, ये इस तरह से सिलेजिनेला दिखाई देता है, टेरिडियम वगैरह। तो ऐसे डिफरेंस देखेंगे तो प्रैक्टिकल में भी आपके आसानी रहेगी पहचानने में भी। ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा डायग्राम बच्चों, काफ़ी कलेक्ट करके लगाया गया है। ये ऐसा स्ट्रोबिलस है, ये पत्ती यहाँ निकल रही है, इसमें छोटी ये पास पास आ गए, इसको स्ट्रोबिलस कहा गया। ये वाला लीफ पीरिंग स्टेम, यहाँ पत्तियाँ ऐसी रहेगी, ये नेचर में प्रेजेंट जैसे लाइकोपोडियम क्लेवेटम। ये इस तरह का थैलस जो है, ये है, ये यहाँ पर ये कौन शेप में स्ट्रोबिलस। ये और ज़्यादा क्लियर डायग्राम है, ये देखिए बिल्कुल लाइट ग्रीन है, ये पत्ती का डार्क ग्रीन है और इसका ये लाइट ग्रीन येलोइश टाइप का ये कलर हो गया, दिस इज द स्ट्रोबिलस। ये डायग्राम्स भी हैं, इससे भी आप समझ सकते हैं, बुक में भी आपके डायग्राम दे रहे हैं।
जहाँ तक रहा मामला एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, प्लांट बॉडीज स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द रूट स्टेम लीव जो हमने पहले बताया भी है, कंसीडर वेरिएशन इन द हैबिट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डिवाइड इनटू टू, वो हमने कैरेक्टर आपको टेबुलर फॉर्म में बताई दी वह है। और इन जनरल है लाइकोपोडियम में तो रूट्स का जो है फर्स्ट फॉर्म रूट इज इफेमेरल, ओल्डर प्लांट्स हैव एडवेंटिटियस रूट, दे अराइज फ्रॉम द पेरिसाइकल और एंडोडर्म। जहाँ तक रहा मामला स्टेम का, इट इज़ अ वीक स्लेंडर एंड राइजोमेटस है, इरेक्ट एंड पेंडेंट, क्रिपिंग इन अदर्स, ब्लास्ट, बेसिकली डाइकोटमस, समटाइम्स मोनोपोडियम। स्टेम एंड ब्रांचेज कवर्ड द लीव्स। लीफ इज द सिंपल सेसाइल स्केल लाइक और स्मॉल विद मीडियन वीन माइक्रोफिलस, स्पाइरली अरेंज एंड डेंस ऑन द स्टेम, डेकोसेट और ओल्ड अरेंजमेंट। इस तरह से इसका पूरा थैलस इसमें स्पोरोफिल फॉर्म में ये अरेंज हो गया, पास पास पत्तियां आ गई, ये इसकी स्थिति है। जब सेक्शन काट के हम देखते हैं तो ये देखा बच्चों इस तरह की संरचना दिखाई देगी और ये सी फॉर्म में दिखाई देंगे। ज़ाहिर इससे क्लियर कट आप स्लाइड में भी देख के पहचान सकते हैं। क्रॉस सेक्शन शो द थ्री डिस्टिंक्ट रीजन, एपिडर्मी सिंगल लेड थिन वॉल सेल समटाइम्स विद द यूनिसेलुलर है, कोर्टेक्स कंपोज ऑफ द पेरेन्काइमेटस सेल्स, ओल्डर रूट्स हैव द थिक वॉल्ड सेल फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, स्टेल इज द प्रोटोस्टेलिक मोनार्च डायआर्च और ट्रायआर्च, जाइलम इज कर्व्ड एंड फ्लोएम लाइज इन बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ द जाइलम। जो ये हम ये करना चाह रहे थे कि ये जो फ्लोएम है इस जाइलम की दोनों आर्म के बीच में फ्लोएम रहता है, इसका यूनिक फीचर्स है। जब सेक्शन आप देखें या स्लाइड परमानेंट देखेंगे तो तुरंत इससे ही पहचान में ये आ जाएगा कि ये इंटेरिडोफाइट्स के अंदर ये लाइकोपोडियम की रूट की स्लाइड है। तो आइडेंटिफिकेशन का एक बहुत शॉर्टकट तरीका है, कर सकते हैं आप इसको ये इस तरह से, और ज़्यादा बड़ा डाइग्राम है बच्चों इसमें और देख सकते हैं। बाकी ये रीजन तो रहते हैं सबसे बाहरी रह रहे हैं, एपिडर्मिस है, देन कॉर्टेक्स है, थिक वाल्ड है तो स्क्लेरेन्काइमेटस है, थिन वाला पोर्शन जो पेरेन्काइमेटस है, यानी कॉर्टेक्स टू टाइप की सेल से बना होता है, आउटर सेल्स ये है, इनर ये है, इस तरह से इसके कैरेक्टर्स को आप लिख सकते हैं। द रूट इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू द एपिडर्मिस कॉर्टेक्स स्टील एपिडर्मिस सिंगल लेयर गिव राइज टू रूट हेयर कॉर्टेक्स सेवरल लेयर स्टील अरेंज द मोनार्च टू टेट्रार्च, जाइलम में सी और यू शेप है सो ओरिएंटेड द ओपनिंग, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट द टिप ऑफ द सी, ये आपने कैरेक्टर्स में देखा ही है अभी। जहाँ तक राम रामना स्टेम का, थ्री जोन से एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर सेल्स विद द थिक आउटर वॉल्स विद द क्यूटिकल कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस स्टील जो है ये प्रोटो स्टीलिक प्रकार की है, ये वाला इसकी स्टील है। स्टील के वेरिएशन भी बच्चों प्रैक्टिस स्टील मिक्स्ड प्रैक्टिस अलग अलग स्पेसीज में जो कि हमने स्टील ऑर्गेनाइजेशन में लेंगे और एक बार और ले लेंगे तो वह अलग से भी कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है। तो जनरल में जो स्टेम है तो उसमें यह संरचना है बाहरी एपिडर्मिस से, इसके नीचे जो है ये क्लोएनकाइमा है, यानी आउटर कॉर्टेक्स ये थिक वॉल्ड सेल्स है, मिडिल कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस है, ये इनर कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, देन पेरिसाइकल है, ये मेटाजाइलम और ये बीच बीच में ये फ्लोएम दसा हुआ है। इस तरह से ये इसका स्टेम की संरचना है, इसको आप देख भी सकते हैं। बाहरी एपिडर्मिस है, सर्टेन रिजेज ग्रूव्स है, कॉर्टेक्स वेरीज फ्रॉम द सम स्पेसीज द पेरेन्काइमेटस, कॉर्टेक्स थिक वॉल्ड स्क्लेरेन्काइमेटस है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, स्टील है, प्रोटोस्टीलिक प्रकार की है, इन स्पेसीज में इस तरह का है, सेरिडम में ये है, इस तरह से स्टील के अंदर वेरिएशन देखा गया है। ये वाला डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं आराम से एक्टो प्लेक्टो मिक्स्ड प्रोटोस्टीलिक प्रकार की स्टीलिक आप आराम से इसमें देख सकते हैं। लीफ की एनाटॉमी, लीफ इज ए ट्राइंगुलर इन आउटलाइन, आउटर एपिडर्मिस कवर्ड बाय द थिक क्यूटिकल, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस, यानी कि एम्फी स्टोमेटस कंडीशन, मेसोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड मेड ऑफ द क्लोरोफिल सेल्स,
immediate concentric vascular bundles with the xylem surrounded by the phloem. ये इसके रिप्रोडक्शन के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एमीबल व्हील्स के द्वारा भी हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी है, रेस्टिंग बर्ड्स के द्वारा भी है, रूट ट्यूबर्स के द्वारा भी होता है, स्पोर्ट्स के द्वारा भी रिप्रोडक्शन इसमें होमोस्पोरस कंडीशन है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मोड है गेमी बल्बिल्स, ये आप देख सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन यानी कि जो टूट के डी डेथ एंड डीके के द्वारा भी नया सेपरेट थैलस बन जाता है, रेस्टिंग बर्ड्स भी नया थैलस बना लेती है। स्टोबिटस का हम रिप्रोडक्शन पोर्शन में लेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे बच्चों की कैसा तो कौन होता है ये, इस कौन से कैसे स्पोरेंजियल लगते हैं, फिर इस पर स्पोर्स होते हैं, फिर नई पीढ़ी को कैसे बनाते हैं, ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका लेंगे जो कि पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन में रहेगी। ये स्लाइड रहेगी बच्चों, उसमें किस तरह से कौन होता है, कैसे उसमें स्पोर बने, ये सारी चीज़ें उसमें हम लेंगे। फिर जब टोटल हो जाएगा तो ऐसे लाइफ साइकिल इसकी रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे कौन रहा, इसमें लगी संरचना है, फिर इससे वापस नई पीढ़ी का निर्माण हो, दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। इस तरह से है ये बच्चों, नोट्स इन किताबों पे आधारित है जो कि आप हायर क्लासेज में पढ़ सकते हैं। सिंह पांडे जैन, बीपी पांडे, गांगुली कार, ए रशीद, बच्चों के पब्लिशर भी याद रखें आप, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कौन सी रेफरेंस बुक्स आपने काम में ली, तो उससे फिर पब्लिशर का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो साथ ही पढ़ने की आदतें डाल लें तो ज़्यादा अपने लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। थैंक यू।